तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है दिवाली का बैनर पोस्टर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। कैसे बनाना है दोस्तों, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए फटाफट टाइम लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैं बैनर पोस्टर दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये जो बैनर पोस्टर है दोस्तों, इसका जो PLV फाइल और इसका जो PNG है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड एक है, पासवर्ड दो है, पासवर्ड तीन है, ऐसा करके बोल के बताया जाएगा। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चलिए टाइम में लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस लिंक पर जो भी फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको वीडियो में जो भी पासवर्ड बोल के बताया जाएगा, वो पासवर्ड डाल के फाइल को ओपन कर लेना है। इतना काम करने के बाद अपने पिक्सल लैब में आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड करके फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहेगा। तो उस फोल्डर का नाम रहेगा दोस्तों दिवाली पोस्टर करके। तो यहाँ पर देखोगे दिवाली पोस्टर के नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से PNG देखने के लिए मिल रहा होगा, देख सकते हो। तो आपको जो है दोस्तों यही सारे PNG को यूज करना है बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बैनर है उसका बैकग्राउंड क्लिक करके ओपन कर लेना है। और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। और ऐसे ही आपको और भी कुछ PNG देखने के लिए मिलेगा अपने इस बैनर पोस्टर में, जिसको आपको यहाँ पर फटाफट क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो भी PNG है उसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक दिवाली लैम्प है यानी कैंडल जिसको बोलते हैं, और इसका साइज छोटा करके इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके इसका मैं कॉपी लेके इसके दूसरे साइड में भी एक ऐसे सेट कर देता हूँ। और अभी मैं इसका एक कॉपी लेके इसका साइज थोड़ा छोटा करके इसके बाजू में सेट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और इसका कॉपी लेके मैं इसके दूसरे साइड में सेट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सॉरी यहाँ मेरा ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे साइज छोटा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो अपने हाथों की मदद से करना होता है तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे चलिए इसको अभी अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मेरा ये भी यहाँ पे सेट करके हो चुका है। यहाँ पे आपको इतना सेट करने के बाद दोस्तों लेयर के ऑप्शन में आना है, यहाँ पे अपने जो कुछ भी ओपन किया जाएगा उसको लॉक कर देना है, नहीं तो यहाँ पे बाद में आपको एडिटिंग करने में परेशानी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी ओपन किया हुआ था उसको लॉक कर दिया हुआ है। इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी आपको प्लस के ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको चले आना है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे भी आप जो भी अपने बैनर पोस्टर में फ़ोटो लगाना चाहते हो, पासवर्ड जीरो जिसका भी फ़ोटो लगाकर बैनर पोस्टर को बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो उसका बैनर यानी फ़ोटो ओपन करोगे। तो यहाँ पर चलिए मैं अपने फोल्डर में जाके यहाँ से कोई एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कई सारे फ़ोटो हैं, तो आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं इस फ़ोटो को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और इसका साइज़ मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पर नीचे के में सेट कर देता हूँ। यहाँ पे फोटो को सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना है कलर फिल्टर के ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा करोगे तो आपको अपने फ़ोटो में जो डार्कनेस रहेगा वो थोड़ा ब्राइट होकर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे दिखाऊँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल, तो पहले मेरा जो फोटो था कुछ इस तरीके का था। जैसे मैंने इसको इस दोनों ऑप्शन को यूज़ किया तो देखोगे मेरे फ़ोटो में कितना चेंज हो चुका है। और यहाँ पर भी आपको ऊपर राइट के जो ऑप्शन क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, आपको जो अपने फ़ोटो यहाँ सेट कर लेना है। फोटो को सेट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा न्यू टेस्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने जिसका भी फोटो लगाया हुआ है अपने बैनर पोस्टर में, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए जो न्यू टेस्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके एक ही ऑप्शन भी आता हूँ और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी लिखा गया है उसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आपको जिसका भी आपने फ़ोटो लगाया अपने बैनर पोस्टर में, यहाँ पर आपको उसका नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन करके ओके कर देना है, आपका जो टेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। साइज आपको इसका छोटा करके इसको यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे साइज इसको कुछ इस तरह बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको चले आना है जो कलर के ऑप्शन पे, इसमें आपको जो भी कलर देना है यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करोगे। तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से कोई एक कलर को बना लेता हूँ, नीचे मैं ओके कर देता हूँ, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक करके। और अभी आपको यहाँ पर चले जाना है फॉन्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट पसंद है, जो भी फॉन्ट आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो अपने इस टेक्स्ट में, यहाँ पर आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ मैंने जैसे वाले फॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ। और
यहाँ पे आपको अभी चले आना है जो है स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको क्लिक करके इनेबल कर लेना है। आपके इसमें ब्लैक कलर का एक स्ट्रोक आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो वाइट कलर का स्ट्रोक सेलेक्ट करना है और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। और ऊपर आपको राइट का जो ऑप्शन क्लिक करके शैडो का ऑप्शन क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है, ब्लर रेडियस को थोड़ा सा कम करके। आउटर ग्लो को इनेबल करना है, यहाँ पे आपको आउटर ग्लो कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन भी आपको ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरीके से। इतना करते ही आपको जो यहाँ पे नाम लिख के हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अभी आपको ये जो टेस्ट लिखा हुआ है आपने इसी का कॉपी लेना है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। पासवर्ड 4। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने अपने बैनर में लिखा हुआ है शुभ दीपावली, तो उसके ऊपर जैसे लिखना होगा आपको आप सभी लोगों को, आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी क्षेत्रवासियों को, ऐसा करके अगर आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे चलिए जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे चलिए मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ आप सभी लोगों को लिखा मैंने और यहाँ मैं डन करके ओके कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है दोस्तों इसमें जो स्ट्रोक मैंने दिया हुआ है पहले स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको बंद करने के बाद यहाँ पे मैं इसको राइट का ऑप्शन क्लिक करके शैडो का ऑप्शन जाकर इसका शैडो भी बंद कर देता हूँ ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करके। और यहाँ मैं चले जाता हूँ कलर के ऑप्शन पे, जाने के बाद इसमें मैं कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और ऊपर मैं राइट का ऑप्शन क्लिक करके इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसके यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके। यहाँ पे दोस्तों आपको टेस्ट को नीचे भी रख सकते हो या तो उसको आप अलग से भी लिख सकते हो। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके जैसे मैं इसको पहले कट कर देता हूँ यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है और डन करके मैं ओके करता हूँ। इसको मैं ऊपर सेट कर लेता हूँ और इसी का कॉपी लेके मैं एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट करके डन करके ओके करता हूँ। और इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बढ़ाने के बाद इसके नीचे जहाँ पे मेरा स्पेस बच रहा है वहाँ पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सेट करने के बाद इसका मैं कॉपी लेके एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे उसके नीचे का जो टेक्स्ट है यानी कि हार्दिक शुभकामनाएं वाला, तो यहाँ पे मैंने उसको भी लिख लिया। डन करके मैं ओके करता हूँ और ये जो मेरा टेस्ट है इसको मैं साइज छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मेरा इतना काम करके हो चुका है मेरा जो बैनर पोस्टर में। तो यहाँ पे आपको इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जैसे आपने फोटो लगाया अपने फोटो के बारे में कुछ टैगलाइन देना चाहते हो, कुछ टैगलाइन में लिखना चाहते हो जैसे मैंने अपने बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बिना बैनर पोस्टर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चलिए ओपन कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ मेरा फोल्डर ओपन हो गया है फोटो का, तो यहाँ मैं उस फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ पे रहा मेरा। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे जैसे देखोगे भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर करके लिए मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसी तरीके से कोई भी टैगलाइन देना चाहते हो अपने फोटो के बारे में तो दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने आपको बता दिया जैसे लिखना है उसी तरीके से आपको लिख के यहाँ पे बनाना है। तो चलिए यहाँ से अभी इस फोटो को सेलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन जाकर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जब आपका ये बैनर पोस्टर बना के कम्प्लीट हो जाएगा तो इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। पासवर्ड 5। तो उसके लिए यहाँ पे अभी शेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे आपको एक डायमेंशन के ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा। तो साइड में आपको डॉट है, डॉट पे क्लिक करके अल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा ऊपर के साइड में उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो भी बैनर पोस्टर बना रहेगा वो बैनर पोस्टर आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके का बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके का बैनर पोस्टर को बनाइए। इसका जो PLV फाइल और PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड मैंने आपको वीडियो में बोल के बता दिया। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।